हेलो गाइस, इट्स प्रकाश और आप देख रहे हैं लर्न एक्स प्लस चैनल। आज हम सीटीटी मैथ्स पैडागोजी में ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे जो चैप्टर वन से पूछे गए हैं नेचर ऑफ मैथमेटिक्स से। चलिए फिर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित में ही बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को डैश की आवश्यकता होती है। ये सीटीटी जून 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन फर्स्ट है गणनाओं में प्रवीणता की, मतलब कैलकुलेशन में स्ट्रॉन्ग होने के लिए। सेकेंड में है अमर्थ चिंतन और तर्क संगत, मतलब सेल्फ थिंकिंग की बात करी और लॉजिकली की बात की जा रही है। थर्ड में सूत्र याद करने की और फोर्थ में हल करने की, हल को याद करने की कला। ये तो फर्स्ट में याद करने वाला ऑप्शन होगा नहीं। फॉर्मूला याद होना इंपॉर्टेंट है पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं होगा। और देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉजिकली और थिंकिंग के अलावा इसमें गणनाओं में प्रवीणता होना, इसका मतलब जब तक कैलकुलेशन अच्छा नहीं होगा और कोई काम मैथ्स में अच्छा से होगा नहीं। अगर फॉर्मूला नहीं याद है उसका ऑप्शन है, ठीक है ना। चलिए इसमें देखा हुआ सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित के विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो में डैश हो सकते हैं। ये विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो में, वो भी गणित के बारे में, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है अधिन्यास कार्ड के रिकॉर्ड, कार्य प्रपत्र, गणित प्रयोगशाला की विधियों के रिकॉर्ड। गणित प्रयोगशाला के रिकॉर्ड स्टूडेंट की किस लिए जरूरत है? ये तो हम स्कूल की बात नहीं कर रहे, हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन तो होगा ही नहीं, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सभी कक्षा परीक्षाएं, मतलब क्लास टेस्ट की बात कर रही है या अभी तक सही है, इकाई यूनिट टेस्ट की बात कर रही है, इकाई परीक्षा की बात कर रही है, जो उसका रिकॉर्ड रखना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट इसे पढ़ के देख लेते हैं। पहले उनके छाया चित्र ड्राइंग और ड्रॉइंग की क्या है, मैथ के हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा रहा है गणित के, इसमें ड्रॉइंग की जरूरत नहीं है। कक्षा कार्य अग्री का उसको नोटबुक की रखने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट मेरा ये हो जाएगा यूनिट टेस्ट और क्लास सेटिंग, मेरा आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक है कि गणितीकरण कैसे किया जाए, यह कथन डैश के द्वारा दिया गया था। तो आपकी ये स्टेटमेंट है तो हम लोग को तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, 2014 में सीटीटी सितंबर में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा डेविड व्हीलर, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, डेविड व्हीलर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, देख लेते हैं। इसमें है विद्यालय स्तर पर गणित में, विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण क्या है। मैथ में मोस्टली बच्चे फेल हो जाते हैं या करने का इंटरेस्ट नहीं लेते, उसका रीजन इस पर पूछा जा रहा है। योग्यताओं के गणितीकरण की अपेक्षा पाठ्यक्रम संबंधी ज्ञान के परीक्षा पर बल देती है, ये तो सही बात है। नेक्स्ट इसे पढ़ के देख लेते ऑप्शन क्या है। जेंडर संबंधी पर ये तो होगा ही नहीं, जेंडर संबंधी पक्षपात की बात कर रही है। अधिक प्रकृति में अधिक विषयनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कम होना, ऐसा कुछ नहीं है कि सॉल्व करने वाले क्वेश्चन अधिक होते हैं, वस्तुनिष्ठ ज्यादा होते हैं, ये ज्यादा ये कम, ऐसा कुछ क्वेश्चन होता नहीं, आजकल तो सब पैटर्न भी चेंज हो चुके हैं। फोर्थ ऑप्शन है योगात्मक आकलन की अपेक्षा रूपात्मक, कहने का अर्थ है इसमें ये मेन सेल्फ लर्निंग के अलावा ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट पर मुख्य फोकस किया जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट में दिखा भाई योग्यताओं के गणितीकरण की अपेक्षा पराक्रम संबंधी, जिससे जिसके पास जैसा टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग मैथ नहीं है, वो एक्चुअली फिक्स सब्जेक्ट पता उसी को पढ़ना होता है, ठीक है, उसमें टैलेंट आपको उसी अकॉर्डिंग बनानी होती है, ठीक है। मेरा ये फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिखा हुआ है गणितीय उपकरण उल्लेख करते हैं। गणितीय उपकरण करने का अर्थ इसमें कैलकुलेटर है, रूलर है, नापने की फीता, ये तो है। नेक्स्ट और भी देख लेते हैं। सूत्रों और संप्रत्ययों पर आधारित चार्ट, ग्राफ, पेपर, बिंदु शीट, ये भी सी है, बट देख लेते इससे भी बेटर ऑप्शन कौन सा इसमें है। सभी प्रकार की सामग्री जिनमें समाविष्ट है भाषा, लिखित संकेत, अर्थपूर्ण निर्देश जो कि उद्देश्य को स्थापित कर सके, तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ये दोनों के अपेक्षा ज्यादा स्ट्रॉन्ग आंसर ये होगा हमारा गणितीय उपकरण। मतलब ऐसा नहीं है कैलकुलेटर है ये जो यूज करते हैं, इसके अलावा ऐसा जिसमें उपकरण मतलब ऐसी प्रकार की वस्तु जिसका हम उपयोग कर सकते हैं मैथ में, ये इसमें टोटल आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यालयों में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म की जयंती को स्मृति पर CBSE ने जेंट वी गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की है। जेंट का अर्थ इसमें है, ठीक है ना, जेंट में इसमें अर्थ है संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृद्धि में वृद्धि। मेरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन से गणितीय प्रक्रिया नहीं है, मैंने गणित में इसका उपयोग
नहीं करते मोस्टली, ठीक है। इसमें फर्स्ट है कंटेस्ट करना, याद करना चाहिए तो होगा ही नहीं। और ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मापना मेजरमेंट तो करते हैं गणित में। साकार कल्पना, ठीक है, कहने का अर्थ है हम लोग इसमें साकार कल्पना मतलब कहने का प्रूफ वाला क्वेश्चन करते हैं, फिक्स करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है अनुमान लगाना, गेस करते हैं, मैथ में ऐसा कुछ नहीं है, गेस नहीं करते हैं। तो मेरा ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कंटेस्ट करना, मैथ में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट नंबर कंटेस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीशा और अमित कक्षा एक में पढ़ते हैं, अनीशा ने अमित को कहा कि यदि उनकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के गणित के अंकों में 5 की वृद्धि की जाए तो औसत में 5 की वृद्धि होगी। उसने आगे यह भी कहा कि यह सभी संख्याओं के लिए सही होगा। अमित इससे सहमत नहीं हुआ और अनीशा ने 5 के स्थान पर एन लेकर इसे सिद्ध किया। अनीशा ने उपयोग किया, ये किस प्रकार के ज्ञान का, सबसे पहले ये निगमिक तर्क है, ये तो ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य ज्ञान कैसा कुछ नहीं, नॉर्मल आकलन है, उसमें तो ऑब्जर्व किया ही नहीं। आगमिक है मतलब उसमें सीखा नहीं, इसमें कहने का अर्थ है निगम किया उसमें, ऐसे ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा, निगमिक तर्क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, गणित की परिज्ञाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखने वाली कौन सा इसमें सही नहीं है, क्वेश्चन ऑप्शन ये है, वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं। फर्स्ट में समस्या समाधान कौशल मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करते हैं, ऑप्शन ये तो सही कह रहा है। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, वे अंतर विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं, मतलब सब्जेक्ट के अंदर का जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं, जिस तरह से कुछ कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ये भी बात सही कह रही है। चलिए इसमें नेक्स्ट है, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, ठीक है। तो मैथ के कंसेप्ट मैथ जो पढ़ते हैं वो हमको कहने का अर्थ वो नंबर बढ़ाने के स्कूल पर फोकस नहीं करते हैं, वो हमको मैथ के कंसेप्ट को सिखाते हैं, ठीक है। देखिए कौन सा सही नहीं है, तो वो नंबर हमको प्राप्त करना आसान से नहीं सिखाते, ये मेरे सही ही हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन, वे अनिमेशन कौशल को प्रभावित करते हैं, वे इस तरह नहीं, तो सही ऑप्शन है, नहीं वाले पूछना इसमें कौन सा सही नहीं है, मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 7 की गणित शिक्षिका गीता गणित के कक्षा कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं प्रोजेक्ट देती है, इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, मतलब प्रोजेक्ट अधिक मिलता है इसका मतलब समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना, ये एकदम सही बात है। नेक्स्ट है, प्रमाणिक आंकड़े को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना, प्रमाणिक सही बात है, कक्षा के बंद करने का अर्थ है कौन सा चीज प्रूफ है ऑलरेडी, इसका वैल्यू क्या, ये भी सब सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा कक्ष की एक रास्ता को भंग करना, ऐसा नहीं है कक्षा में एक साथ जब पढ़ेंगे तो उसे कक्षा रास्ता को भंग तो ऑटोमेटिक होगा, ऐसा कहने से ये ऑप्शन तो बेटा होगा नहीं। नेक्स्ट है, वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना उपयुक्त उद्देश्य कौन सा सही है, ठीक है। तो मेरे पास वैकल्प कहने का जब क्वेश्चन सेल्फ से खुद से जब ट्राई करेंगे तो उसके पास ऑप्शन भी निकल सकते, इसके अलावा किसी ऑप्शन से इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो मेरे पास इसमें ए बी और डी ऑप्शन सही है, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें 4ABD, ठीक है। आई होप की वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।